नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जहां मतदान हो चुके हैं, वहीं तेलंगाना और राजस्थान में अभी वोटिंग बाकी है। यूं तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश के नहीं हैं और इनके परिणामों का असर उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चुनावों में यूपी के नेताओं की मांग नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने अपने दल के लिए प्रचार किया, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की भी भारी डिमांड है। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए राज्य में बीजेपी की ओर से सीएम योगी की जनसभाओं की भारी डिमांड है। इतना ही नहीं, सीएम को कुछ खास टारगेट्स भी दिए गए हैं ताकि बीजेपी राज्य में राज बदल सके और सत्ता हासिल कर सके। पहले हम बात करते हैं राजस्थान में सीएम योगी के टारगेट्स की। तो सीएम योगी को रैलियों का मुख्य टारगेट वो दिया गया है या वो विधानसभा सीटें दी गई हैं जिनकी सीमा यूपी से सटती है या ये सीट राज्य के आसपास है। राजस्थान के यूपी बॉर्डर से सटे इलाकों में सीएम की जनसभाओं की भारी डिमांड है। इसके अलावा हिंदुत्ववादी चेहरे के लिए भी सीएम योगी के रैलियों की मांग है। जिन सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं वहां भी सीएम योगी की मांग है। इसके साथ ही सीएम योगी उन सीटों पर भी रैली कर रहे हैं जहां बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जिन विधानसभा क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला है या बागी बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं वहां भी सीएम योगी रैलियां कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीएम योगी के चुनावी रैलियों के स्ट्राइक रेट की, यानी इन चुनावों से पहले उन्होंने किस राज्य में कितनी रैलियां की और उनमें से कितनी सीटें बीजेपी ने जीती। तो गुजरात में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 35 सीटों पर रैलियां की और 20 पर जीत हासिल की, यानी वहां सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 57% रहा। त्रिपुरा में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम ने 9 सीटों पर प्रचार किया, 8 पर जीत मिली। यहां बीजेपी सीएम योगी की रैलियों वाली 89% सीट जीती। कर्नाटक में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 33 पर रैली की और वहां पर 17 पर जीत मिली। यहां सीएम की रैलियों वाली 52% सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बात मध्य प्रदेश में साल 2018 के विधानसभा चुनावों की करें तो उस वक्त सीएम योगी ने 15 सीटों पर रैलियां की और 10 पर जीत हासिल की। इस हिसाब से यहां बीजेपी सीएम की जनसभाओं वाली 67% सीटों पर जीती। महाराष्ट्र में साल 2019 के चुनाव में सीएम ने 12 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और 7 पर जीत हासिल की। यहां सीएम का स्ट्राइक रेट रहा 58%। इसके साथ ही बिहार में साल 2020 के चुनाव में सीएम ने 19 सीटों पर रैलियां की और 13 पर जीत हासिल की। यहां सीएम योगी रैली करने वाली सीटों में 68% बीजेपी ने जीती। उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर प्रचार किया और उस पर जीत हासिल करते हुए सीएम ने 100% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। उसी साल, पिछले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम ने 181 सीटों पर प्रचार किया और 121 पर जीत हासिल की। यहां सीएम का स्ट्राइक रेट रहा 67%। बात अगर गुजरात में साल 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो उस साल सीएम ने 2017 के मुकाबले 13 कम सीटों पर रैलियां की थी। सीएम ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर प्रचार किया, 15 पर जीत हासिल की। इस चुनाव में सीएम का स्ट्राइक रेट रहा 68%। इस साल त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में भी सीएम ने 6 सीटों पर प्रचार किया और 6 की 6 सीटें जीती। इस तरह स्ट्राइक रेट रहा पूरा का पूरा 100%। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी हैं। दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। केवल यूपी में ही नहीं, पूरे देश और विदेश में भी लोग उनके दीवाने हैं और इस बात का अंदाजा उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग से भी लगाया जा सकता है। जी हां, पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया पर लोकप्रियता दूसरे नंबर पर है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।